यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आप अपनी आदतें और अपनी हैबिट बदलें, और अपनी निश्चित रूप से आपके आदतें आप भविष्य बदल देगी। दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा एनर्जी भरपूर और लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय होता है सुबह का समय। और सुबह उस समय और सुबह के समय में आप जैसी हैबिट लाइफ को फॉलो करते हैं वो हैबिट ही ना केवल आपके पूरे दिन पर बल्कि आपके लाइफ के गोल आपके किसी मेंटल और इमोशनल पर असर डालते हैं, और साथ ही साथ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है और आपकी सफलता और असफलता में मॉर्निंग रोल पर प्रभावित होता है। सुबह 6 बजे से पहले उठ जाए, सुबह उठते ही फ़ोन या न्यूज़ या पेपर या बैड न्यूज़ कभी भी अपने अंदर नेगेटिव माइंड में नेगेटिव या ख़राब न्यूज़ कभी भी डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा जिस आप माइंड फ्रेश होता है जिसे आप अपने मोबाइल में रकम के भी ना जाने दे। सुबह उठते ही पहले आप बिस्तर समेट ले और अपना बिस्तर खुद समेटे लेना चाहिए। हर सुबह उठते ही फिजिकल एक्सरसाइज और जॉगिंग योगा या व्यायाम जैसी हैबिट अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए और सफल रहेंगे। और रोज़ जॉगिंग वगैरह कुछ व्यायाम कसरत कर लेना चाहिए, जिसे आपको एक नरेंद्र मोदी जो किसी भी आप नामचीन व्यक्ति आप उसको ले लो, जैसे नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम, वॉरेन बफेट, सब लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सुबह की उसकी हैबिट यही होती है, जो हमेशा सफल व्यक्ति की हैबिट यही रहती है कि वो सुबह उठते ही पहले अपना बिस्तर समेट लेते, फ़ोन न्यूज़ कभी नहीं देखते, और बाद में हमेशा वो व्यायाम कसरत या जॉगिंग वगैरह कुछ कर लेते हैं। बाद में एक जो सुबह का एक घंटा जो होता है, एक दो घंटा वो माइंड फ्रेश रहता है, इसमें हमेशा नराक्रमक चीज़ कभी भी अपने अंदर नहीं, सराक्रमक अच्छी चीज़ ही अपने माइंड में फिट करनी चाहिए, जिससे हमारा मॉर्निंग अच्छा रहे, पूरा दिन अच्छा रहे और पूरे दिन अच्छा सृष्टि भरा रहे। इसलिए सुबह कभी भी ऐसी आदतें नहीं डालनी चाहिए, हमेशा सुबह अच्छी आदतें अपने हैबिट डालनी चाहिए।